हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज़। और ये हमारी सीरीज़ है एनुअल रिटर्न के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी एनुअल रिटर्न ही बची है हम लोगों के पास में। एनुअल रिटर्न का जो फॉर्मेट आया है, जो नॉर्मल फॉर्मेट है, यानी कि जो कंपोजिशन वालों का नहीं है, फिलहाल मैं कंपोजिशन वालों का आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। फॉर्म नंबर 9 के अंदर ये फॉर्मेट आया है। इस फॉर्मेट में क्या क्या हमें देना है, क्या क्या हमें बताना है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, यानी कि 9 टेबल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 9 की 9 टेबल हम लोग इकट्ठे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग 1 by 1 उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डेटा चाहिएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहली टेबल है, जिसका नाम है टेबल नंबर 4, वो इसलिए जैसे आपको पता है रिटर्न में पहले GST नंबर और वो सब होता था, तो 4 से ही लगभग टेबल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी 4 से ही स्टार्ट हो रही है। जो टेबल नंबर 4 है उसमें आपको डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो GSTR 3B में आपने डिटेल दी है, मोर और लेस आपकी एनुअल रिटर्न GSTR 3B के ही डेटा का कंपाइलेशन है। कुछ डेटा है जो एक्स्ट्रा है, कुछ डेटा ऐसा है जो हम वहाँ पे दे नहीं रहे थे, मतलब देना था बट हम स्किप किए जा रहे थे लेजीनेस में, या ठीक है वो हार्ड भी था कहीं जगह कंपाइल करना, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था भाई टाइम पे रिटर्न फाइल करना, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, तो इसलिए हम लोग नहीं दे रहे थे। बट एनुअल रिटर्न में बच नहीं पाएंगे, यहाँ पे हमें उसको देना पड़ेगा डेटा को। तो आपको जो डिटेल देनी है, आप यानी कि मुझे किसकी डिटेल देनी है, आपको सप्लाईज की, तो सप्लाईज आपको इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज की, जिन पे की टैक्स पेबल है और जो आपने डिक्लेयर किया रिटर्न में, इसने क्या क्या मुझे कवर करना है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2C सप्लाई जो मैंने की है वो आपको बतानी है। यहाँ पे मुझे B2C सप्लाईज बतानी है एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न जो आपने फाइल किया ड्यूरिंग द ईयर। अभी एक्चुअली मैं बात नहीं कर रही, इसमें बड़े इशू आए होंगे, काफ़ी लोगों ना B2C सप्लाई जिन्होंने गलती से डाल दी थी, तो B2C सप्लाई को ना चेंज नहीं करने दे रहा था इवन GSTR 1 में भी, तो वो बहुत बड़ा एक इशू था। वो एक टाइम के बाद वो स्टार्ट हुई फंक्शनैलिटी, उससे पहले आपको B2C में मतलब गलती से कुछ लिख दिया तो उसको ठीक नहीं करने दे रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इशू आएगा। बट एनुअल रिटर्न के थ्रू हम उसको सही से डिपिक्ट कर पाएंगे। देन सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2B, जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि वो एक्सपोर्ट जिस पे कि मैंने टैक्स का पेमेंट करके तब एक्सपोर्ट किया, IGST पे करके एक्सपोर्ट करते हैं, उस वाले एक्सपोर्ट की बात करें, कि LUT वाले एक्सपोर्ट की बात नहीं करता फिलहाल ये। सप्लाईज टू SEZ यानी कि सेज को भी जो पेमेंट ऑफ टैक्स पे हुआ है, एंड देन डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट जो है हमारे जैसे EPCG लाइसेंस होल्डर वगैरह उनको कवर किया हुआ है, 5 लोगों को कवर किया गया है डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर वो सब। देन एडवांसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस इशू नहीं हुआ, ये पहले ये प्रोविजन एप्लीकेबल था दोनों के लिए, मतलब गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, दोनों में एडवांस पे टैक्स पे करना था, फिर गुड्स को उन्होंने हटा दिया और सिर्फ सर्विसेज के लिए आपको एडवांस पे टैक्स पे करना है। तो अगर आपने एडवांस पे टैक्स पे किया लेकिन सप्लाई नहीं की, तो वो आपको यहाँ पे दिखानी है। देन इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि वो इनवर्ड सप्लाई जिस पे आपको RCM में टैक्स पे करना था, ये आपका सब टोटल A to G हो गया। अब इसमें से लेस करना है क्या क्या लेस, और मतलब इसके अंदर जैसे पूरी सप्लाई आपने दिखा दी ना, अब इसके अंदर एडजस्टमेंट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स की डिटेल देनी है। क्रेडिट नोट्स इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E, तो B2E वाले जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं उनके क्रेडिट नोट्स, बाकी में F और G में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि F में तो इनवॉइस तक ही नहीं पहुँचे, तो क्रेडिट नोट का मतलब ही नहीं है, और G जो है वो इनवर्ड सप्लाई की बात करें तो वहाँ पे भी क्रेडिट नोट का कोई मतलब नहीं है। देन डेबिट नोट्स इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ B2E, बिल्कुल सेम हो गया ये भी, B2E में अगर आपने कोई डेबिट नोट इशू किया वो आपको डिटेल्स देनी है। सप्लाईज एंड टैक्सेस डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों ने GSTR 1 को अमेंड किया है और बार बार किया है, अमेंडमेंट के थ्रू जो आपने सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर किया वो आपको पता है, सप्लाई डिक्लेयर किया जो रिड्यूस की उसकी बात नहीं कर रहे, सप्लाईज एंड टैक्सेस रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, यहाँ पे मुझे डिडक्शन की बात कर रहा है कि जो आपने कम कर ली उनकी बात बता रहा है, वेरी नाइस। सब टोटल लगाना है आपको नाउ I to L, I to L मैंने सब टोटल लगा दिया, कैसे, यानी कि ये मेरा किस चीज़ का टोटल हो गया, जो पुरानी सप्लाई आपने ओरिजिनल दिखाई उसमें जो आपने चेंज कर दिए अमेंडमेंट के थ्रू या फिर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के थ्रू, वो सब मिला के उसका एक सम टोटल आ गया, और फिर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स टू बी पेड H+M हो गया मेरा अबो। तो ये मेरी डिटेल्स थी जो मुझे आउटवर्ड सप्लाई और RCM पे जो टैक्स पे किया, यानी ये मेरी वो डिटेल थी जो मुझे टैक्स पेमेंट किया जिन जिन चीज़ों पे मैंने, तो सेल पे भी करती हूँ और मैं परचेज पे भी करती हूँ RCM के केस में, वो सारी डिटेल मुझे यहाँ पे देनी थी। उसमें जो एडजस्टमेंट हुए डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू वो, इस टेबल में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मतलब 3B में नहीं दिया गया हो,
कैलकुलेट करने में और कंपाइल करने में थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स थे. अगर आपने पहले से ठीक से नहीं मेंटेन कर रखे तो आपको दिक्कत होगी. आपने पहले प्रॉपर अकाउंटिंग के बाद अच्छे से बना के शीट मेंटेन करने के बाद अमेंडमेंट्स डाले थे वन में, तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी. डेटा आपका ऑलरेडी कंपाइल्ड होना चाहिए आपके पास में. तो ये थी जो मुझे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है. सिर्फ एक टेबल है अभी एनुअल रिटर्न की, इसके अलावा 8 टेबल और हैं, तो वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे. बाकी टेबल इतनी डिटेल्ड नहीं होंगी. कुछ टेबल है जो बहुत डिटेल्ड है, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली जो टेबल है वो बहुत डिटेल्ड है और उसमें इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी चाहिए. उसको हम लोग अगले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.